हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजेश, आपका होस्ट और दोस्त। आप सभी को स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल आरजे स्टूडियो पर। दोस्तों, आज का वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक नया रेसिपी। तो मैं और मेरी माँ आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सुपर टेस्टी मसाला फिश करी। तो मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, ये रेहू मछली है जिसको बंगाली में रुई माछ का नाम से जाना जाता है। तो हम लोग पहले नमक और हल्दी से मिलाकर रख लिए हैं। हम लोग दो टमाटर और धनिया पत्ता भी ऐड करेंगे, तो आप लोग देखते रहिए। हम लोग जीरा, लाल सूखा मिर्च, लहसुन और सरसों जोगाड़ करके रख लिए। कढ़ाई में हम लोग सरसों तेल डाल लिए और इसको थोड़ा देर गर्म होने के लिए रखेंगे। तेल गरम हो चुका है, इसमें अब हम लोग मछली छोड़ देते हैं फ्राई होने के लिए। इसको बहुत अच्छे से कड़ा कर हम लोगों को फ्राई करना पड़ेगा। फ्राई करने से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसी तेल में हम लोग 5 फोरन डाल लेते हैं और डालकर इसको थोड़ा देर हम लोग चला लेंगे। अब हम लोग इसमें आलू जो कट करके रखा हुआ था उसको भी इसमें डाल देंगे और इसको भी हम लोग फ्राई कर लेंगे। सूखा मिर्चा, लहसुन, सरसों और जीरा को हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स कर लिए है। अब इसको हम लोग फ्राई में छोड़ देंगे। इसको थोड़ा देर हम लोग चला लेंगे। इसमें हम लोग ऊपर से हल्दी ऐड कर लेंगे। नमक
नमक भी हम लोग ऐड कर लेंगे इसमें अपना स्वाद अनुसार। तो इसको हम लोग फिर से चला लेंगे। तब हम लोग जो टमाटर लिए थे उसको कट कर लेंगे। तो इस टमाटर को हम लोग कढ़ाई में छोड़ देंगे, छोड़ के उसको हम लोग फिर से चला लेंगे। देखिए दोस्तों इसका कलर अब चेंज हो रहा है। हम लोग अब धनिया पत्ता इसमें कढ़ाई में डाल लेंगे ऊपर से। दोस्तों इसको हम लोग अच्छे से भून कर इसमें हम लोग पानी अब डालेंगे। तो इसमें थोड़ा पानी डालकर हम लोग फिर से थोड़ा देर के लिए इसको छोड़ देंगे। अब हम लोग इसमें मछली कढ़ाई में डाल देंगे।
YouTube आपने पीस करके बहुत सारी रेसिपी बनाई होंगी जिसमें बहुत सारे मसाले देना पड़ता है, पर ये रेसिपी जरा हटके है। ये जो रेसिपी है इसमें मसाला जो है बहुत ही कम देना पड़ता है, तो इसलिए ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और बहुत ही निराली है। तो ये मसाला पीस करी रेसिपी बंगाल में बहुत ही फेमस है, तो आप लोग भी ये पीस करी रेसिपी बनाइए और बनाकर हम लोगों को हमको बताइए। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो देखिए और आप भी ऐसे घर में अपना ये मसाला फिश करी रेसिपी बनाइए। मसाले को अच्छे से फ्राई कर इसमें पानी डालकर इसको 10 से 15 मिनट के लिए धूप पे रखना पड़ेगा। तो देखिए 15 मिनट बाद इसका कलर देखिए पूरा चेंज हो गया और इससे बहुत ही एक अच्छा खुशबू भी आ रहा है। तो हम लोग का ये मसाला फिश करी रेसिपी बनकर तैयार है। आप लोग इसको रोटी या चावल के साथ खाए और खिलाए। लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा आप लोग कमेंट कर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।